हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार, आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे आपने देखा है वीडियो के अंदर, तो आज इस वीडियो के अंदर मेरा जो पूरा डेली रूटीन है एज अ फुल टाइम ट्रेडर, मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ऑनेस्टली। सो यार, कितना वियर्ड लग रहा है, मैं पहली बार ऐसे कुछ शूट कर रहा हूँ और सुबह माइक पहनकर कौन जागता है। बट यार, कोई कोई चीज़ें अभी रिटेक करनी पड़ती है, बिकॉज़ अगर आपको हर एक चीज़ दिखानी है जैसे कि तैसे, तो कुछ कुछ चीज़ें शायद मुझे रिटेक करनी पड़ सकती है। सो एनीवेज गाइस, तो आज का दिन जो मेरा डेली रूटीन होता है वैसे ही कुछ होगा। तो जैसे सुबह मैं उठता हूँ, सुबह एक्चुअली मैं उठता हूँ लेट, थोड़ा उठता हूँ। बहुत सारे जो ट्रेडर उठते हैं 6 बजे, 5 बजे, उतना सुबह मेरे से उठा नहीं जाता है। तो मैं 1 मिनट में मेरा कैमरा मेरे पास ले लो। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है, जब हमारी कोई अगर इंटरेस्ट की चीज़ है ना, तो हम लोग ऑटोमेटिकली सुबह उठ जाते हैं। जैसे कि मैं 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने का, तो मैं सुबह सुबह काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता था, हमें खाने मिलता था, तो सुबह मैं ऑटोमेटिकली उठ जाता था, पता नहीं कैसे। वैसे मेरे आज अब जब से मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया, तब से मेरे साथ वैसा ही होता है। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ, मतलब जल्दी मतलब 8 सवा 8 बजे, 7:30 बजे उठ जाता हूँ स्टॉक मार्केट की। जब अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन आज होने वाला है, मुझे पता है कि यार इसमें एग्जिट करना है, इसमें एंट्री करनी है, तो यार मैं बहुत ही शार्पली उठ जाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे। तो आज भी हो चुके 8:05, हम लोग 8 बजे उठ चुके हैं। तो आज सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं जो 1 गिलास पानी पी लेता हूँ, तो चलिए हम लोग पी लेते हैं पहले बात तो पानी। तो गाइस, यहाँ पर सुबह पानी पीते पीते, कभी कभी मेरे मूड पे होता है, कभी कभी मैं ग्रीन टी भी चूज़ कर लेता हूँ। सो सुबह पानी पीते पीते मैं आराम से, मैं अपने आप को काफ़ी समय देता हूँ, रिलैक्स होता हूँ। 1 घंटा भर में जो उठने के बाद 1-1.5 घंटा में जो है बेड पर होता हूँ। अब उस दौरान पानी पीते पीते मैं जो है मोबाइल चेक कर लेता हूँ। मोबाइल के अंदर में जो काफ़ी न्यूज़ एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, सारी जो न्यूज़ होते हैं मैं सारी न्यूज़ देख लेता हूँ अराउंड स्टॉक मार्केट। जैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज़ है, कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग में है, किस स्टॉक को बाय करना है, किस स्टॉक के अंदर जो एग्जिट लेना है, सारी चीज़ें मैं जो है नोट डाउन करके रखता हूँ। एंड उसके बाद रात भर मेरा मोबाइल जनरली साइलेंट होता है, तो उसके बाद जिसका अगर कॉल आया तो उसे मैं कॉल बैक भी कर लेता हूँ। रिलैक्स होते में जो पूरा दिन का एजेंडा यहाँ पर जो लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरा डेली रूटीन, रात को भिगोए गए बादाम में खाता हूँ सुबह सुबह नहाने जाने से पहले, और सूखा अंजीर और मुनक्के, ठीक है। एंड उसके बाद मैं नहाने चला जाता हूँ। तो चलिए यार, मैं मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। तो गाइज, मैं फ्रेश हो चुका हूँ, मेरा नहाना हो चुका है। अब नहाने के बाद सुबह मैं टीवी देखते देखते नाश्ता करता हूँ। अब नाश्ते में बेसिकली यहाँ पर आप देख लो क्या है, ये है ओट्स। अब पहले मैं नॉर्मल नाश्ता करता पोहा वगैरह, बट अभी जब से मैंने जिम स्टार्ट किए तब से अभी ये जो ओट्स खाना पड़ता है, बट मसाला ओट्स काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लेवर्ड वाला होता है। उसके बाद ये सिंगदाने का लड्डू जब अगर होता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं। और ये चाय, अब गाइस देखो, चाय एक्चुअली मैं गिव अप नहीं कर सकता, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, बट कभी कभी ग्रीन टी, कभी कभी चाय अल्टरनेटिव हो जाता है। बट यार, ट्रेडर के लाइफ से चाय कॉफ़ी नहीं निकाल सकता, मुझे लगता है। कभी कभी आपको पता है, कभी कोई टेंशन आ जाता है वगैरह, तो बहुत नीडेड है। अब गाइस देखो, वीडियो के अंदर तो मैंने बहुत ज्ञान दिया है, मैं आपको शॉर्ट में इसे समझाता हूँ। जब मैं नाश्ता करने लगता हूँ तो स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ओपन हुआ होता है। अब देखो, मैं कोई एक्टिव स्टॉक मार्केट ट्रेडर होने में फॉरेक्स और बाइनरी के अंदर ज़्यादा काम करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा जो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग होता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर डिलीवरी उठाता हूँ एंड उसे मैं कट डाउन या फिर जो है एड न्यू फ्रेश क्वांटिटी बाय करता हूँ। तो मैं आराम से देख लेता हूँ, अगर कोई शेयर बेचना है या फिर खरीदना है उसे मैं खरीद लेता हूँ। एंड दैट्स इट, इतना ही मेरा सुबह का काम होता है। एंड यहाँ पर आप ये भी देख लो, मैंने अभी जस्ट सुबह जो है बंधन बैंक की 600 क्वांटिटी बेच दी है, मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, 30,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने जो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, बिकॉज मुझे और भी ऊपर जाएगा ऐसा लगता है, इसलिए मैंने 400 क्वांटिटीज बचा के रखी। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए गाइस, अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ओट्स ठंडा होने के बाद बहुत ही पूरा सूखा हो जाता है, तो मैं इसे खा लेता हूँ। हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली हमारे ऑफिस के अंदर। तो गाइस, जस्ट मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ यार, मैं एक मूवी देख रहा था, नाश्ते के बाद में मेरे रूम में चला गया, एक मूवी देख रहा था। तो वो मूवी देखते देखते मुझे इतना लेट हो गया और समझ भी नहीं आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है अभी। गाइस देख लो, 3:30 बज चुके हैं, स्टॉक मार्केट भी बंद हो चुका है अभी। जस्ट मैंने स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा बहुत मेरा काम था, इसलिए लेट हुआ एक्चुअली, तो अभी यार निकलना चाहिए। और तो भाई काफ़ी लेट हो चुका है, मैं आपको डायरेक्टली ऑफिस में मिलता हूँ, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, फिर उसके बाद थोड़ी ट्रेडिंग भी करनी है, तो चलिए चलते हैं।
ये हम लोग आ चुके हैं हमारे ऑफिस के अंदर। अब आप ऑफिस के पूरे दर्शन भी कर लो। अब गाइस देखो, ऑफिस के अंदर मैं जो है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 के बीच में कभी भी आ लेता हूँ। यही तो फ्रीडम है यार बाइनरी और फॉरेक्स के अंदर काम करने का। यही तो एक बेनिफिट है कि आप जो दिन भर में मार्केट ओपन होता है कभी भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो, एक सॉफ्ट बॉक्स सामने रोशनी डालता है। ये सामने हमारा सेटअप है, मेरी चेयर और साइड में कुछ मैंने जो है फ्रेम्स लगाए हुए जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर आप देख लो, कुछ अनबॉक्सिंग का सामान है। यहाँ पर मेरे जो बैग वगैरह मैं रखता हूँ, छोटा सा यहाँ पर एक जगह है। यहाँ पर सामने ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर मेरा एजेंडा वगैरह कभी कभी लिख लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी लिखता हूँ। और ये सामने हमने एंटर किया, छोटा सा ही ऑफिस है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट मेरे लिए काम आ जाता है बिकॉज मेरे दोनों एम्प्लॉयज घर से काम कर लेते तो मेरे अकेले के लिए इनफ स्पेस है। एंड गाइस, आज दिन भर के अंदर मुझे एक वीडियो आपके लिए शूट करना है और थोड़ी बहुत हम लोग ट्रेडिंग भी करेंगे। तो पहले हम लोग वीडियो शूट करते, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, वीडियो का सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख लो, सामने सॉफ्ट बॉक्स है जो कि रोशनी डालता है, पीछे यहाँ पर हमारे सेटअप के ऊपर। एंड ये हमारा ट्राइपॉड, यहाँ पर इसके ऊपर मोबाइल लगा होता है, एंड ये हमारा ट्राइपॉड है। अब यहाँ पर मैं बैठता हूँ और वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है? तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, मैं वीडियो को शूट करता हूँ और उसके बाद हम लोग जो मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा ऑफर भी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट्स को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो ट्रेडिंग भी करेंगे। तो गाइस, अब बारी है रियल एक्शन की। अभी हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे ऑल इन ट्रेड बाइनमो के अंदर और पॉकेट ऑप्शन के अंदर भी। सो गाइस देखो, यूजुअली डेली में कैसा है कि मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, अगर मेरा मूड है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो शूट करके निकल जाता हूँ। कभी कभी मैं वीडियो शूट करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, कभी कभी सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वीडियो का मन नहीं होता है तो वीडियो शूट नहीं करता हूँ। सो मेरे मूड पे चलता है। आज हम लोग थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी है मैं आपको एंड में बताऊँगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो चलिए यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस गाइस, एट द सेम टाइम मैं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ये साइड है ऑल इन ट्रेड और इस स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहा है बायनमो, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर जो दोनों स्क्रीन को हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो अभी इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये बेनिफिट होता है मल्टी स्क्रीन का, ठीक है? तो गाइज, अभी और कुछ नेक्स्ट ट्रेड लिए हैं मैंने, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ऑल इन ट्रेड का एक ट्रेड चल रहा है, अगर आप ठीक से यहाँ पर आप देखो, बाउंस बैक का एक्सपेक्टेड था यहाँ पर, तो ट्रेड लिया था। यहाँ पर आप देख लो, बड़े टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, अच्छा खासा बाउंस बैक है, ऑलमोस्ट फुल अमाउंट का ट्रेड लिया। यहाँ पर आप बैलेंस देख लो मेरा, जो पहले ट्रेड से प्रॉफिट बना था उसका भी पूरा लगा दिया मैंने, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी कितने का ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा है $400 का, ठीक है? तो ये भी आप देख लो, ओके। एंड यहाँ पर अभी नेक्स्ट ट्रेड ऑल बाइनमो के अंदर भी चल रहा है। यहाँ पर देखो, मैंने जोन ड्रॉ किया, मैंने सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ मैंने जोन ड्रॉ किया, मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर बताया था। यहाँ पर देखो, अभी थोड़ा ये मतलब ये इतना फिक्स नहीं है, इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आई डोंट नो, बट ये भी बहुत बड़े अमाउंट का ट्रेड है। यहाँ पर आप देख लो, 32,250 रुपीज़। अब मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस भी देख लो आप ऊपर। सो दोनों भी बड़े ट्रेड लगी ले लिया मैंने, दोनों के अंदर प्रॉफिट अभी तो दिख रहा है। मे बी बायनमो के अंदर थोड़ा सा रिस्की, बट यहाँ पर देखो प्रॉफिट भी हो चुका है और मेरा जो टोटल बैलेंस ऑल इन के अंदर यहाँ पर आप देख लो हो चुका है $736। अब ये भी प्रॉफिट में अभी दिखा तो रहा है, लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। सो यार देखो, इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग करता हूँ। सो अभी ट्रेडिंग करूँगा, हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी शाम हो चुकी है, अभी हमें जाना है जिम को। तो जिम जाने के लिए मुझे यहाँ पर से
6 बजे ही निकलना पड़ता है, तो निकलूंगा भी, एक चाय लूंगा घर जाके, उसके बाद जिम। जिम के पहले कभी कभी चाय लेता हूँ, चाय लेना एक्चुअली ज़रूरी नहीं, बट पीनट बटर वगैरह खा लेता हूँ कभी कभी। बट कभी कभी अगर बहुत ही इच्छा होगी तो मैं चाय भी लेना पसंद करता हूँ। सभी हम लोग चलते हैं घर पे। तो गाइस अभी घर तो आ चुके हैं, बट अभी जो है मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है। मेरा दोस्त का कॉल आता ही होगा, काफ़ी लेट हो चुका है। सो भाई मैंने जैसे आपको बताया ऑफिस के अंदर कि यार मैं चाय पीने का सोच रहा हूँ अभी, बट शायद चाय पीने का अभी प्लान नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरी मम्मी नहीं है घर पे, और घर पे मम्मी नहीं है तो मुझे चाय बनाने में से आती है, बट अभी इच्छा नहीं हो रही कि यार पूरी चाय बनाऊँ फिर, और अच्छा हेल्दी भी नहीं है। तो मेरे मुझे एक अच्छा रीज़न मिल गया कि यार एक अच्छा पीनट बटर वगैरह खा सकूँ, तो अभी पीनट बटर बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या रहता है, मैं ज़्यादा इतनी एफर्ट्स नहीं लेता हूँ पीनट बटर खाने के टाइम। मैं कभी कभी हाथ से ही खा लेता हूँ डायरेक्टली पीनट बटर, अगर ब्रेड्स वगैरह नहीं है तो, ब्राउन ब्रेड अगर नहीं लाया मैंने तो हाथ से ही खा लेता हूँ। तो अभी है आज ब्रेड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जिम के अंदर तो आ चुका हूँ, पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर थोड़ा साइकिलिंग एंड देन फिर आज का वर्कआउट। तो गाइस ट्रेडमिल कर ली, अभी साइकिलिंग कर लो, 10-15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज के दिन मेरा वर्कआउट है चेस्ट का, चेस्ट और ट्राइसेप। मैं 1 day 2 muscle मारता हूँ, तो आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप मारने वाला उसके साथ में, तो मजा आने वाला है। तो गाइस जस्ट जिम से घर आया हूँ, तो यार जैसे मैं जिम से बाहर निकला देखा तो यार बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मैंने वेट किया, मुझे लगा अब रुकेगी थोड़ी देर बाद रुकेगी, बट रुकने का नाम नहीं ले रही थी बारिश। तो वैसे ही घर आ गया, पूरा भीग चुका था, घर आया, कपड़े बदले मैंने सारे, और जस्ट अभी मैंने मोबाइल हाथ में लिया है, बैठा हूँ। तो एनीवेज गाइस, जैसे मैं घर आता हूँ जिम से घर आने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो मेरा प्रोटीन शेक पीना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जरा शेकर तो यहाँ पर है, मुझे प्रोटीन निकालना पड़ेगा। ओके ये रहा मेरा प्रोटीन। एक हाथ से निकालना पड़ रहा है, एक हाथ में मोबाइल ले। तो गाइस मैं एक रील्स देख रहा था, एक इंस्टाग्राम का पेज के ऊपर एक बहुत ही फनी पोस्ट मैंने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी यार, मतलब इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं 1000 करोड़ की कमाई दिन में करने के बाद ऐसे रहते हैं, और जो नए ट्रेडर होते हैं वो बस दिन में बस कुछ 500-1000 रुपये कमा लेते और ऐसे रहने लग जाते। तो डिफरेंस समझ रहे हो? आपको यार गोल हमेशा ये होना चाहिए कि आपको अमीर दिखना नहीं है, आपको अमीर बनना है, हमेशा गोल होना चाहिए। देखो इनिशियल स्टेज में आपको ये चीज़ नहीं करनी कि आपको कार खरीदो, लाइबिलिटीज़ खरीदो, आपको जो इनिशियली एसेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एसेट बिल्ड करना चाहिए, वही आपको आगे जाके काम आएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पैसा बनाओगे उसके बाद आप मतलब स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और लेटर ऑन आप जो मतलब ये सब चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं खर्चा करना चाहिए, पर आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग गलती आप करते हो कि दिखावे में जाते हो ना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वो पोस्ट, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने जस्ट डाल दिया पोस्ट, आपने देखा होगा। सो एनीवेज गाइस चलो अभी तो ये हो चुका है, अभी मैंने प्रोटीन पी लिया, ऑलमोस्ट खत्म किया, लास्ट का थोड़ा कुछ बचा है घूट, तो इसे पी लूँगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं रात को जब मैं सोने जाता हूँ, ठीक है। सो बाय बाय। सो गाइस दिन का ये वो टाइम है जब मैं रात में अकेले मेरे रूम के अंदर जो है बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ सोने से पहले। ओके काफ़ी लोग सुबह बुक्स पढ़ते हैं, मैं रात को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है जब मैं
सुबह घर से निकलता हूँ, हम लोग दिन भर में काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी निगेटिव एनर्जी भी आती है, काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा भी फील होता है, हम लोग काम से थक जाते हैं थोड़ा, मतलब डीमोटिवेटेड फील करते हो। फिर घर आने के बाद रात को सोते समय मैं जो भगवद गीता पढ़ता हूँ, कोई भी एक अध्याय जो चल रहा होता है उसमें पढ़ लेता हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, रात को नींद भी काफ़ी अच्छी आती है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज बुक पढ़ने के बाद वैसे भी नींद अच्छी आती है, कोई भी बुक पढ़ लो, और पॉजिटिव भी रहता हूँ, फिर सुबह अच्छा अच्छे थाट्स के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ सुबह उठता हूँ। एंड गाइस, एक अध्याय होने के बाद अगर मेरे पास अगर टाइम है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं कोई भी एक बुक ले लेता हूँ, वो भी पढ़ने लग जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नींद आ जाती है, वैसे ही सो जाता हूँ। एंड अगर फिर भी नींद नहीं आ रही तो फिर मोबाइल निकालो, इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब यही चलता रहता है, मे बी आप जैसा ही हूँ वैसा ही चलता रहता है, कभी कभी काफ़ी लेट भी हो जाता है। सो एनीवेज गाइज, तो अभी चलो यार मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। एनीवेज गाइस, बस आज के लिए इतना ही, तो ये था मेरा पूरा दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। मैं तो किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए #ड्रॉपआउट।